thank mm -hmm. you

इनके सारे डॉग्स से एक बार इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो चलिए मैं फटाफट कैमरे के पीछे मिलवाता हूँ आपको हर्ष भाई से और जानते हैं उनके शौक के बारे में क्या हाल है हर्ष बिल्कुल बढ़िया पार्स भैया आप बताइए आप और हमारी ऑडियंस तरक्की देख रहा हूँ तरक्की बहुत <laughs> फर्क आ गया अब तो कुछ कुछ नहीं भैया बस पब्लिक का प्यार है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है पब्लिक अच्छा ये बताओ चल रहा अपना डोर बनना काम काम बहुत अच्छा है भैया कोई दिक्कत नहीं है काम में तो खैर थोड़ा सा पैशन है अपना चल रहा है धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं है। <laughs> काफी नाम है थोड़ा बताओ कौन कौन सी लाइन कौन से स्टार्ट कर देते हैं हम हाँ, लोग फीमेल है ये जो हमारी फीमेल है रॉक्सी अच्छा ये गुर्जरियाज लाइन से रिलेट करती है ये हमारी रॉक्सी बहुत बहुत ओबिडेंट बहुत सुंदर फीमेल है बहुत अच्छे पप्स डिलीवर करती है जी रॉक्सी Very good, हाथ, good girl. हाथ मिलाती है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं।, अब हम आ जाते हैं इस ये भाई ये बिल्कुल भी मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ कि इनके साइज का कोई भी अगर डॉग इनके साइज का इनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग इनकी शेप वाला आ जाए ना यूरोपियन अराउंड नॉर्थ तो मैं काम छोड़ दूंगा अच्छा जी क्या नाम है इसका ये मस्टैंग इसका जो फादर है वो डिमोन डेलनासी था अच्छा जो आईडीसी अच्छा। वर्ल्ड विनर का सन था अच्छा जी तो ये वर्ल्ड तर... की बेस्ट लाइन अपने साथ कैरी कर रहा है एक अच्छी लाइन है बहुत सुंदर जो डोग है आपका जी भाई मजल और इसका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर यूरोपियन का है तो यही यूरोपियन अपना जी भैया जब प्रॉपर यूरोपियन डॉबरमैन होगा तो स्ट्रक्चर भी प्रॉपर का ही पकड़ेगा आपको देखिएगा डार्कनेस चेक कीजिए बोन्स देखिए क्वालिटी देखिए बोन्स की कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी बिल्ड हो रखी है चेस्ट देख लीजिए आप अभी ये केवल दो साल का किड़ है अब अच्छा। ये प्रॉपर ये नहीं बोल सकते कि अपनी पूरी जवानी में आया है जब ये अपनी पूरी जवानी में आएगा तो जब ये इसकी चेस्ट है ना ये बहुत ब्रॉड होगी जी ये बहुत सुंदर लगेगी और बाहर को निकल के आएगी अच्छा 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 कितनी एज है इसकी अभी अभी ये दो साल का है कुल दो साल दो का साल का बच्चा भी है अभी जी 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 चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एक बड़ी सुंदर ब्राउन डोवर मैन है फीमेल ये ये रोक्सी नाम है इस फीमेल का भी ये ब्रोनीज फ्लेम से ही थी ये जैपर जो था ये उसकी बच्ची थी अच्छा लेकिन अभी जैपर तो रहा नहीं है जैपर इम्पोर्ट का बेटा था है है। उसकी यादें हैं तो उसकी याद के तौर पे ये हमारे पास ये है विनोज भैया की ही ब्लड लाइन थी ये गुजरियाज नॉर्थ में किंग है डोबोमैन के सभी को पता है मैं देख रहा हूँ आपसे बड़ा प्यार है भैया प्यार तो करते ही है देखे। देखे। तो करते ही बच्चों की तरह ट्रीट होते हैं ऐसे डोरमैन का जैसे ये है कि वही लोग पाल सकते हैं जिनका फार्म हो फ्लैट कल्चर में डोरमैन मुश्किल है पालना हाँ भैया ये, भी ये भी तो ये तो मैं अपनी दोनों वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ हमारी दो वीडियोस पहले भी अपलोड हो चुकी है जी की भाई जिसके पास जगह ना हो और जो अपना टाइम ना दे सकता हो डोबरमैन को वो ना ले जी ये ब्रीड ये बहुत अलग ब्रीड है इसको स्टेमिना लेवल इसका बहुत ज्यादा हाई होता है जी जी, जी। सभी को पता है बहुत रॉयल ब्रीड है जी तो इसके साथ आदमी भी कम से कम वैसा ही होना चाहिए कि पकड़ते हुए चले तो भी शूट करे जी जी दोनों जी। की पर्सनैलिटी उसी के हिसाब से होती है इनकी आपके पास अभी हो रखे है ये हमारी जो फीमेल है ये हमारी आप ये मान के चलिए कि इम्पोर्ट की बेटी है अच्छा इसके डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोचिप वगैरह के साथ हमारे सभी डॉग्स होते हैं और ऑडियंस को पता भी होगा जिनके घर पप्स गए हैं ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी कमेंट तो करके बताएंगे बिल्कुल बताते हैं आपको वो वो मेरा है बताएंगे आइए भैया अब आपको मिलवा देता हूँ अपने इम्पोर्ट से जी वन ऑफ द माई बेस्ट अचीवमेंट आई है ये हमारा इम्पोर्ट है ये मेरी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए अच्छा क्योंकि ये इम्पोर्ट है मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इम्पोर्ट करा पाऊंगा और जो? ये वर्ल्ड के बेस्ट कैनल्स चैनल आप ये मान के चलिए कि इम्पोर्ट है ये वर्ल्ड की बेस्ट लाइन अपने साथ कैरी कर रहा है आईडीसी वर्ल्ड विनर सी डेलनासी जो है वो इसका ग्रैंड सन है अच्छा। तो प्रॉपर पेडिग्री पे वर्क करके एक बहुत नेक्स्ट मूव हमने इसमें लिया था तो जो कि हमारा सफल भी हुआ है जी जी। अभी जो नॉर्थ इंडिया में प्रॉपर ये पप्स हो रखे हैं जो अच्छी क्वालिटी में है, और जो नाम करेंगे वो सब इसी के पप्स हैं अच्छा फिलहाल इसकी तीन प्रोजेनिज हमारे पास अलग अलग फीमेल से आ चुकी है जी जी जो की मेरे हिसाब से तो मेरी ब्रीडिंग ब्रीडिंग की सबसे सबसे अच्छी ब्रीडिंग अभी तक की मेरी वही है जी अभी बहुत नाम करेगी वो मुझे उम्मीद यही है इंडिया में चल के दो स्टड हो गए हमारे और ये दो फीमेल अभी आपको कैमरे पे शो कर रहे हैं एक वो आपको दिखाई है जो मदर है मदर है जी बाकी दो फीमेल्स हमारी इस टाइम पे कंसीव है अच्छा वो पप देंगी तो उनको अभी मैं कैमरे पे शो करना नहीं चाह रहा जी बाकी जैसी आपकी पसंद जी नजर लगती है हाँ जी। नजर लगती है। वो बिल्कुल फैक्ट है ये जी हो चुका है मेरे साथ एक बार अच्छा अच्छा। जी, अच्छा मुझे ये बताओ आपकी एज क्या है अभी वर्तमान में भैया मैं अभी रिसेंटली सिक्सटीन दिसंबर में ट्वेंटी वन का हुआ हूँ इक्कीस साल उम्र इक्कीस साल उम्र है भैया डीफार्मेसी ही हुई है लेकिन ज्यादा तो कुछ नहीं हो गई है अच्छा डीफार्मा आपने कर लिया है अच्छा ये बताओ फ्यूचर प्लान क्या है मतलब ये शौक के साथ बिजनेस चलता रहेगा या फिर कुछ और भी करना है इसके भैया ये तो शौक है और मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा शौक है ये छूट नहीं सकता मेरे से तक मैं रहूंगा ये तो चलता ही रहेगा जब तक मेरे हाथ पैर में दम है कि भाई मैं कर सकता हूँ इनकी तो ये चलता रहेगा इनकी तो सेवा है अच्छा हर्ष भाई मैं आपके घर आया जैसे जी आ, माता जी ने मेरे को एक बात बोली ये थोड़ा समझाओ हां जी आपने सुनी होगी पारस माता जी ने ये बोली क्या क्या सोचा घर वालों को ऐसी परेशान रखोगे घर वालों का तो भैया ये मानना होता है कि अगर कुत्तों में लगा रहेगा तो शादी भी नहीं होगी बात तो सही है देखो तो भैया लोग देखते हैं कि भैया तो कुत्ते वाला भैया शादी ना हो लेकिन ये शौक नहीं छोड़ेगा कुत्ता पालूंगा जरूर चाहे जान चली जाइए अरे वा। वा। मेरी लाइफ में फिट बैठता है बिल्कुल 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 बाकी पारस भैया ऐसी बात नहीं है कि फ्यूचर का नहीं सोच के बैठे हैं कि बस डॉग्स में लगना है ऐसा नहीं है फ्यूचर प्लानिंग है अपने भैया केमिस्ट शॉप अभी यहीं पे मैंने आपको जगह भी दिखाई थी आते समय यहाँ केमिस्ट शॉप अपने गाँव में ही बिल्कुल बहुत जल्द आपको केमिस्ट शॉप यहाँ पे देखने को मिलेगी बाकी गन्नों का सीजन चल रहा है उसको कवर कर लेते हैं मैनेज होता है वो भी अभी गेहूँ वगैरह अनाज बो रखे हैं अब इनसे फ्री होके खेतों में रहे हो ना यार बिल्कुल भैया बिल्कुल बिल्कुल शौक के साथ काम तो कर ही रहे हो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है अर्निंग वाइज जैसे आपका शौक है देखो तो खिला पिला भी रहे हो इनके इनकी सेहत बता रही है जी क्या खिलाते हो इनको पारस भैया इनको सभी कुछ खिलाया जाता है आप मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं वेजिटेरियन डॉग्स रखता हूँ ऐसी बात नहीं है हाँ हाँ। डॉग्स है ऑब्वियसली नॉन वेज खाएंगे हाँ। इनको चिकन इसका डेढ़ के जी चिकन पर डे अच्छा ट्यूसडे को छोड़ के पर डे इसका डेढ़ के जी चिकन है इसका ट्यूसडे मानते हो <laughs> मानना पड़ता है जब घर में बहुत फोर्स करते हैं मम्मी पापा तो घर में तो मतलब आप ये मान के चलिए खिलाया भी नहीं जाता गाँव में ही वो तो इतना अच्छा हुआ है की चिकन शॉप अभी छह महीने से खुली है तो वही पे बारी बारी सभी को लेके चले जाते हैं वही पे खिला के ले आते हैं इतने डॉग्स पे क्या ईमानदारी ईमानदारी का, का जवाब दू तो चिकन अंडे वगैरह अभी मेरी फीमेल ने बच्चे डिलीवर किए हुए तो उसको कैल्शियम मल्टीविटाम और सभी कुछ हमारा चल रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि मैं ये बोलूंगा मैं प्रॉपर घर में दलिया पे रख रहा हूँ लेकिन एक टाइम पे चने बाजरा मक्का और चावल वगैरह अनाज इन सबको मिक्स करके मैंने दलिया भी बनाया हुआ है तो उसको चिकन में बॉयल करके वो दे दिया जाता है अंडे दे दिए जाते हैं या खाली वो दे दो अभी सर्दी का सीजन है कैरेट दे दीजिए उसमें करके तो भैया अब आप, आपको मैं मोटा मोटा बताऊं कि खर्चा आ जाता है लगभग लगभग मेरे हिसाब से अठारह बीस हजार रूपए अठारह बीस हजार रूपए महीने का खर्चा बिल्कुल आ जाता है सारे का सारो डो चलो फिर भी एक ईमानदारी भरा जवाब था आपका अठारह हजार रूपए महीने का खर्चा है ठीक है इससे कुछ कमा भी रहे हो आप ना, ना, शौक ना, ना भी, भी अपने हाँ, सारे खर्चे भी नहीं गिनवा सकता हाँ, लेकिन हाँ वो ये बात बोलते है की चार साल हो चुके हैं मैं उनसे खर्चा ले नहीं रहा हूँ वो ये बात खुद भी मानते हैं अच्छा तो सारे डॉग्स का खुल मिला के खर्चा और मेरा जो भी एक्सपेंस है वो सब इन्हीं से चल रहा है मेरा अच्छा मैं झूठ नहीं बोलूंगा ये एक तरीके से मेरी आप रोजी रोटी मान के चलिए अच्छा बिल्कुल अभी वर्तमान अभी वर्तमान में पिछले दो तीन साल से लगातार जब से शौक बढ़ाया है बिजनेस में इसको कन्वर्ट किया है जी। तो तब से मेरा यही चल रहा है यही यही मतलब ये 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 आपको पाल रहे हैं, कैसे ये, ये मेरे को पाल रहे रहे हैं हैं मेरे को मैं यही बात आपको पहले बोलने वाला था कि मैं इन्हें नहीं पाल रहा जी भाई ये एक बहुत ये मेरे हिसाब से तो सौभाग्यशाली होता है इंसान जिसके घर ये आते हैं जिसके घर इनका आगमन होता है जी सभी को इनकी सेवा करने का मौका नहीं मिलता जी अच्छा मुझे अभी ये बताओ पब्स आपके पास हो रहे हैं पब्स आने भी वाले हैं जी बिल्कुल और अभी शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं पता डोरमेंट की डिमांड भी है हाँ जी डिमांड डोरमेंट की, की बहुत ज्यादा रहती तो है डिमांड को पूरा करना है ठीक है ना पारस भैया लगभग लगभग मैं आपको बताऊं ऑल ओवर इंडिया में पब्स दे चुका हूं और अभी आपको पता चल जाएगा मेरी मेरे जो कस्टमर्स हैं सभी से मेरी यही डिमांड होगी कि ऑनेस्ट रिव्यू अभी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो कमेंट्स में एक बार ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें तो दोस्तों मेरे भाइयों हर्ष कटारिया भाई ने अपना शौक बताया हमें अपने डॉग्स दिखाए अपने प्यारे प्यारे, प्यारे पपीज भी दिखाए मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और हर्ष भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको अगर किसी को भी डोबरमैन चाहिए तो आप इनसे संपर्क कर सकते हो तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद